वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। आज के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है और आज का एपिसोड भी ईसा और उनके दो आशिक अभिषेक और सामर्थ के लड़ाई झगड़ों और उनके ड्रामे पर ही फोकस्ड रहा। इन तीनों की खिचड़ी पे हम डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले एक एक करके ऑर्डर में हम देख लेते हैं कि आज के एपिसोड में हुआ क्या क्या। सबसे पहले हमने देखा अरुण भाई की कॉमेडी, जबकि वो इन तीनों के ड्रामे पर ही कमेंट करते हैं कि इन तीनों का क्या खिचड़ी पकड़ा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या रियलिटी शो हम देख रहे हैं, या कोई मूवी देख रहे हैं, या कोई ड्रामा सीरियल देख रहे हैं। ये अननेसेसरी का कंटेंट बिग बॉस हमें परोस रहा है और हमें भी मजबूरी में ये सारे नाटक और ड्रामे हमें देखने पड़ रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमने ये भी देखा कि अभिषेक विक्की को कह रहा है कि पता नहीं इस लड़की ईशा ने सामर्थ पर क्या जादू कर रखा है, ये लड़की इतना गलत कर रही है, मेरे साथ भी इतना की, 2-2.5 महीने में मूव ऑन हो गई, तो इसको सामर्थ को क्यों नहीं दिख रहा और उस पर भी लगता है कोई जादू कर रखी है। ये अभिषेक का कहना इतना सही नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की सामर्थ बिल्कुल सही है कि 1 महीने के 1 दिन में भी मूव ऑन कर सकती है अगर वो किसी गलत लड़के के साथ में है और उसको कोई सही लड़का मिलता है। पर ईशा जो गेम खेल रही है, ईशा जो झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलती है और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो बोलते जाती है, और जिस तरह से वो भी पूरा का पूरा आज जो सामर्थ और अभिषेक का झगड़ा हुआ उसमें पूरा का पूरा आग लगाना और इस झगड़े के पीछे की जड़ ईशा ही थी। जब अभिषेक उससे बात करके और उससे पुरानी बातें क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, तब ईशा को उस कन्वर्सेशन में होना ही नहीं चाहिए था, उसको सीधा बोलना चाहिए कि मुझे ये बात नहीं करना है। लेकिन ये हम लाइव फीड में भी देख रहे हैं, कल से देख रहे हैं, जब से सामर्थ आया, जब भी अकेले मौका मिलता है ईशा जाके अभिषेक से ठीक से बात करना चाहती है। और अभिषेक तो सस्ता आशिक बना पड़ा है ही, वो भी जाके अपनी पुरानी बातें और तुमने ये किया, वो क्यों मूव ऑन हो गई, वो इस चीज़ों में लगा रहता है। और ईशा भी उसको जा जा के कंसोल करते रहती है, मत रो, ये मत कर, ठीक से रहे। आज के हमने लाइव फीड में देखा उसको खाने को पूछ रही है, तूने खाना खा लिया? तो ये जो ड्रामा है ना, मुनावर ने कल उसको समझाया था कि अगर तू मूव ऑन कर चुकी है तो उसको भी मूव ऑन करने दे। ईशा जैसी लड़की जो चाहती है कि अगर उसके आसपास में अगर 2 लड़के हैं, दोनों का उसके साथ अगर अफेयर है, तो वो नहीं चाहती कि अभिषेक का भी उसके साथ जो रिलेशनशिप था या अभिषेक के मन में भी जो उसके लिए फीलिंग है, जो प्यार है, वो ख़त्म हो कभी भी। ईशा चाहती है कि अभिषेक के अंदर भी उसके लिए प्यार रहे, सामर्थ्य तो उसके साथ अभी है ही, तो दोनों को चाह रही है कि किसी तरह अपने साथ मेंटेन करके रखे। इस चक्कर में ना वो इसकी हो पाएगी ना वो उसकी हो पाएगी, और अपने लाइफ में भी वो बहुत सफ़र करेगी आगे। जैसा कल सामर्थ ने कहा था कि तेरी माँ भी कहती है कि तू झूठ बोलने की आदत सबसे पहले छोड़ दे, तो ईशा को अगर अपने लाइफ में ग्रो करना है तो ये झूठ बोलने की आदत छोड़नी पड़ेगी। कोई भी रिलेशनशिप दुनिया का वो तब खराब होना स्टार्ट हो जाता है जब रिलेशनशिप में झूठ आ जाता है। एक बार अगर आप एक रिलेशनशिप में कुछ झूठ बोल देते हैं तो फिर एक झूठ को छुपाने के चक्कर में 100 झूठ 1000 झूठ आपको बोलने पड़ जाते हैं, और उसके बाद जो पूरा का पूरा रिलेशनशिप है वो डाउन द हिल जाना स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने ये भी देखा कि वीकेंड के वार के बाद अरुण थोड़ा कंटेंट देने की कोशिश करता है, मुनावर उससे ठीक से बात करता है पर वो थोड़ा सा एग्रेसिवली उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके बाद हालांकि अरुण को रियलाइज़ हो जाता है कि मुनावर तो मुनावर है, उसके साथ तो बना के रखना ही पड़ेगा, तो वो आता है मुनावर को सॉरी बोलने के लिए, रिंकू जी को भी वो सॉरी बोलने आता है, पर खानजादी बीच में बोल के और उसको पोक करती है और उसका खानजादी का लड़ाई हो जाता है, तो ये मैटर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हालांकि अरुण ने अच्छे से मुनावर को कहा भी कि भाई तेरे लिए मेरी जान हाजिर है, पर हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, ये बीच में खानजादी क्यों बोल रही है, तो वो मैटर वहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम अंकिता और मुनावर को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उसके बाद हमने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अंकिता और मुनावर को बात करते हुए देखते हैं। तो यहाँ से लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिर अंकिता इस बारे में अपने लाइफ का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उनका, उसके बारे में वो दिल के रूम में किसी के साथ, ऐश्वर्या, नील, चलो उनसे तो नहीं बनती, ईशा से बन रही थी, ईशा, अभिषेक, ये घर में किसी और के साथ, रिंकू जी, जिगना जी, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ मुनावर के साथ इतना कम्फर्टेबली सारी बातें क्यों बता रही थी? क्योंकि अंकिता को भी ये फील होता है, और सबको इस घर में जो भी आता है, थोड़ा टाइम अभिषेक के साथ बिताता है, उसको ये फील होता है कि सबसे सेंसिबल, सबसे जेन्यून आदमी मुनावर ही है। पता नहीं कल के एपिसोड में ये दिखाया गया या नहीं, लेकिन कल के लाइव फीड में हमने देखा था कि अभिषेक भी कहता है मुनावर को कि यार तेरे साथ रह के है ना सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है,
आज हमने देखा कि अंकिता कैसे अपने पास्ट के बारे में मुनावर के साथ डिस्कस कर रही थी काफ़ी कंफर्टेबली। तो जब आदमी कोई सेंसिबल होता है और जेन्यून होता है तो उसके साथ लोग दिल से कनेक्ट करते ही हैं। जब घर के अंदर भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं और बाहर भी, इसलिए जनता का इतना प्यार मुनावर को मिल रहा है क्योंकि लोग उसके साथ दिल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने नील, विक्की, ऐश्वर्या, इन तीनों सबके, अंकिता, ये सारे बैठे थे और वहाँ पे जो नोक जोक होती है मजाक को लेकर जो विकी करता है नील और ऐश्वर्या को लेकर, उस पर ऐश्वर्या चिढ़ जाती है। उस फाइट में हमें ऐश्वर्या का बिहेवियर नील की तरफ बिल्कुल भी सही नहीं लगा। ऐश्वर्या ऐसे लगता है जैसे कि नील को ओन करके रखती है और नील पे कोई उसने शादी करके एहसान कर दिया है। नील को जिस तरह से मॉक कर रही थी ऐश्वर्या वो बिल्कुल सही नहीं था। बहुत लोगों को ये इतना ऑब्वियस नहीं लगेगा लेकिन अगर आप उल्टा सोच के देखिए कि अगर नील उस तरह से ऐश्वर्या को मॉक करे तो लोग नील को कितना ज़्यादा जज करेंगे, लेकिन वही ऐश्वर्या उसको मुँह चिढ़ाकर और इस तरह से मॉक जो कर रही थी वो दिखने में बहुत ही वल्गर, बहुत ही गंदा लग रहा था और ये अप्रिशिएटेड बिहेवियर नहीं है किसी भी वाइफ का अपने हस्बैंड की तरफ। नील जबकि बहुत ही सेंसिबल लगता है, बाद में जो पूरा नील और विकी का झगड़ा हुआ, ऐश्वर्या ने जो स्टैंड लिया कि तू मैरिज जोक्स क्यों क्रैक करता है, ये मुझे पसंद नहीं है, तुझे अपने होगी शादी में प्रॉब्लम, ऐश्वर्या का बिल्कुल स्टैंड लेना एकदम सही था। ऐश्वर्या को वहाँ स्टैंड लेना चाहिए था और उसने स्टैंड लेकर बिल्कुल सही किया। वहाँ पर नील बिना कुछ जाने हुए आके ऐश्वर्या को सपोर्ट कर रहा था, चलो वाइफ के लिए सपोर्ट कर रहा था, उस पर भी हम जज नहीं करते, वो भी ठीक था। हमारा ये है कि ऐश्वर्या जिस तरह से नील के साथ बिहेव करती है वो ठीक नहीं है। और उस झगड़े के बाद भी नील जिस तरह से सारे लोगों को समझा रहा था कि वाइफ जो जितनी भी लड़कियाँ हैं अगर उसके हस्बैंड वाइफ जोक्स क्रैक करेगा कि उसके साथ वाइफ के साथ आके बेचारा हो गया हूँ, लाइफ ख़राब हो गई है, तो क्या उनको पसंद आएगा? सो आई डोंट अप्रिशिएट वाइफ जोक्स। इसमें नील बहुत सही था एंड हैट्स ऑफ टू हिम ऐसा बोलने के लिए और ऐसा सोच रखने के लिए। तो ये वाली जो पूरी की पूरी फाइट थी उसमें हाँ, विकी मजाक मजाक में ओवर बोल देता है। जिसको नहीं पसंद है आप उसको पहले आप जान लीजिए कि कम्फर्ट लेवल क्या है। अगर ऐश्वर्या को नहीं पसंद है तो उसको नहीं करना चाहिए और शायद अब आगे से विकी ऐसा मजाक करेगा भी नहीं ऐश्वर्या के साथ, क्योंकि ये एक फ़ाइट अब हो चुकी है आज। इसके बाद हमने एक बहुत ही चीप कंटेंट देखा जब अनुराग मनाड़ा को मुनावर के अगेंस्ट भड़का रहा है और ये काम बहुत दिनों से, पिछले 5-6 दिन से अनुराग मनाड़ा को मुनावर के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर रहा है और ये भड़काने की कोशिश थोड़ी रंग भी लाते हुए दिखी। जबकि मनाड़ा उसको बोल रही थी अनुराग को कि थोड़ा सा उसका पर्सनालिटी टोन डाउन हो रहा है मुनावर का, जबकि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता, मुनावर ही हर एपिसोड में साइन करता है, सबसे सेंसिबल सबसे अच्छा मुनावर ही हर एपिसोड में लगता है। तो ये बात मनाड़ा की बिल्कुल ही गलत थी ये असेसमेंट, लेकिन उसका एक्चुअली मनाड़ा की इतनी गलती हम नहीं मानेंगे, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि थोड़ी इमेच्योर तो लगती ही है और कॉन्स्टेंटली बीच में सना भी और बहुत सारे लोग जो है खास करके अनुराग कॉन्स्टेंटली मनाड़ा का ब्रेन वॉश मुनावर के अगेंस्ट में कर रहे हैं और मुनावर भी उससे थोड़ा डिस्टेंस रख रहा है। लास्ट वीकेंड के वार्ड पे जब अननेसेसरी सलमान खान ने मुनावर को कह दिया कि तू थोड़ा फिसल रहा है, तब से मुनावर भी मनाड़ा से थोड़ा डिस्टेंस रख रहा है और इसकी वजह से मनाड़ा के माइंड में ऐसी बातें आ रही हैं। एक तो कॉन्स्टेंटली लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऊपर से मुनावर खुद भी डिस्टेंस रख रहा है उससे, तो ये चलो नेचुरल है, आ जाता है। हम अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा मनाड़ा को जज नहीं करेंगे और होपफुली आगे वो इस चीज़ को करेक्ट करेगी। इसी सब को देखते हुए बिग बॉस को भी समझ में आया कि मनाड़ा थोड़ी भटक रही है और मनाड़ा को थोड़ा सा तो प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा की सिस्टर है, थोड़ा फेवर तो होगा ही बिग बॉस की तरफ से। तो उन्होंने देखा कि अगर मनाड़ा मुनावर से अलग हो गई तो वो शायद उतना सर्वाइव ना कर पाए गेम में, तो इसकी वजह से बिग बॉस ने फिर उन लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया और फिर दोनों का पैचअप कराया या फिर थोड़ा मोटिवेट किया कि तुम लोग साथ में रहो। उसके बाद हमने देखा कि कन्फेशन रूम से बाहर आने के बाद मुनावर ने अपने लाइफ की सारी चीज़ें, सारी बातें उसको डिटेल में मनाड़ा को समझाया ताकि वो एक बाउंड्री जो है, जो हमेशा उसने लॉकअप में भी वो बाउंड्री क्रॉस नहीं की थी, स्टार्टिंग एपिसोड से ही उसने अपने बॉटल पे, अपने शिपर पे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, निकनेम जो है वो लिख के रखा था, सबको उसने स्टार्टिंग से क्लियर करके रखा था कि उसका बाहर कुछ है। पर फिर भी कुछ लोग जो हैं क्लाउड चेजर्स जो हैं वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने वहाँ छुपाया था, वहाँ पर भी उसने छुपाया नहीं था, जो शो के अंदर कंटेस्टेंट है नहीं उसके बारे में वो बात क्यों करें, और जो है जिसके साथ उसका हैशटैग बनाने की कोशिश हो रही थी उसने स्टार्टिंग से ही क्लियर करके रखा था कि एक बाउंड्री है वो हमें नहीं क्रॉस करनी है, बाहर कोई है जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में पूरे डिटेल बता दूंगा बाहर निकल के।
तो मुनावर उसी तरह से इस शो में भी, बिग बॉस में भी किसी को कोई फेक होप या कुछ उस तरह का नहीं, हमेशा वो बोलता है एक लाइन है, एक बाउंड्री, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा था कि पूरा का पूरा मुनारा को सारी चीज़ें मुनावर ने डिटेल में समझा दिया, हालांकि हमें बहुत शॉर्ट में दिखाया गया, पर मुनावर ने सब कुछ अच्छे से उसको समझा दिया। फिर हमने देखा कि ईशा का तो अपने दोनों आशिकों में झगड़ा लड़ा के मन नहीं भरता, तो वो और झगड़े लड़ाने की सोचती रहती है कि और झगड़े कहाँ से लगवाया जाए। तो जब इनका विकी का झगड़ा हुआ ऐश्वर्या और नील के साथ, और अंदर ऐश्वर्या बैठी थी रिंकू जी के साथ, मनस्वी के साथ और मनारा के साथ, तो मनारा ने बोला उन लोगों को कि ये दोनों नील और ऐश्वर्या तो सिंक में रहते हैं, SYNC, सिंक मतलब आपस में समन्वय में रहते हैं, ये बात उसने बोली थी। और सिंकिंग रिलेशनशिप, इनका रिलेशनशिप खराब है, इनके मैरिज में प्रॉब्लम है अंकिता और विकी के, ऐसा कुछ नहीं बोला था। पर ईशा चली गई बाहर आग लगाने के लिए, अगर तुम इतनी ही हितैषी हो अंकिता और विकी की तो तुम वहाँ स्टैंड लेती ना उनके लिए, पर वो खुद स्टैंड लेने के बजाय चली गई वहाँ विकी को और अंकिता को आग लगाने के लिए कि देखो मनारा तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही है। पर थैंकफुली वहाँ मनस्वी रिंकू जी सब ने बोला कि ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हुआ, मनारा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो वहाँ पर मनारा बच गई। पर ईशा को है ना झूठ बोलने की जो बीमारी है, अपना घर वो सब बचा ले, अपने रिलेशनशिप्स बचा ले, दूसरों में आग लड़ाना और लड़ाई लगवाना ये नहीं करना चाहिए ईशा को। अब ईशा की बात कर ही रहे हैं तो अब हम आ जाते हैं आज की मेन टॉपिक पे। ईशा ने लड़ाई पूरा का पूरा स्टार्ट करवाया जबकि वो जाके अभिषेक से बात कर रही थी, और अभिषेक से जब वो बात कर रही थी तो अभिषेक उससे पूछ रहा था कि तू इतनी जल्दी मूव ऑन क्यों हो गई, जस्टिफिकेशन दे ये वो। अगर ईशा बात ही नहीं करती, कन्वर्सेशन इनिशिएट करके उसको एक्सटेंड नहीं करती, तो सामर था कि सुनता नहीं तो झगड़ा नहीं होता। पर पहले वो खुद बात कर रही थी आराम से उसके साथ, जब उसने देखा सामर्थ को तो हाँ ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और वो करके बाहर आ गई। बाहर आ गई फिर सामर्थ को भड़का रही है कि ऐसा ऐसा बोल रहा था, फिर सामर्थ गया लड़ने और वहाँ पर आके, और अभिषेक फिर आके चार्ज कर रहा है, और ये पता नहीं क्या फेक ड्रामा अभिषेक का, पीछे हाथ कर लेता है और उसके बाद जाके चार्ज करता है लड़ने के लिए। अरे भाई तुझे लड़ना है तो सामने हाथ खोल के लड़ लड़ना है तो। और वहाँ पे अनुराग विषय था, फिर बाद में मुनावर सब ने, ये अंकिता ने कि लड़ने दे दोनों को, एक दूसरे का सिर फोड़ने दे, देखते हैं कौन क्या करता, कोई कुछ करने वाला है नहीं। तो ये दोनों जो फेक फाइट और फेक ड्रामा कर रहे हैं, और ईशा का भी जो ड्रामा बिग बॉस दिखा रहा है बहुत हो गया, अब बंद करना चाहिए इसको दिखाना, बंद करे बिग बॉस, हम लोग भी पागल नहीं हैं, हमें सब पता चल रहा है कि कितना नाटक चल रहा है इन लोगों का। तो ये सारा फेक ड्रामा हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ईशा आग लगा रही है, ईशा दोनों को चाह रही है, दोनों को अपने मुट्ठी में करके रखना, और इस चक्कर में ये झगड़े हो रहे हैं। और धीरे धीरे अब अभिषेक को भी समझ में आ रहा है, सामर्थ को भी समझ में आ जाएगा कि ये लड़की के चक्कर में आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है किसी का, तो ये धीरे धीरे अब फिजल आउट हो जाएगा और गेम अब आगे बढ़ेगा। नॉमिनेशंस हो चुके हैं, नॉमिनेशंस का एपिसोड कल शायद आ जाएगा, या कल ही आना चाहिए, परसों का तो है नहीं, कल आ जाएगा अब नॉमिनेशन का एपिसोड। उसके बाद हम देखते हैं कि कल कौन कौन नॉमिनेट होते हैं। और फिलहाल आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल के एपिसोड के रिव्यू में। थैंक यू।